अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बच्चों की फेवरेट डिश डोनट लेकर आई हूँ। आज हम डोनट घर पे बनाएंगे। रयान अनमेर कह रहे थे कि मामा डोनट ला दो। मैंने कहा बेटे बाहर आजकल का मौसम अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, तो मैं आपके लिए घर में बनाती हूँ। तो अब देखें, मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। नीम गर्म पानी एक कप हमने लिया, उसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दी। अब हम 1 टेबलस्पून यीस्ट ऐड करेंगे, ठीक है? ये नीम गर्म पानी में जो है वो फूल जाएगी। और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। कुछ लोग अंडे के बगैर खाना चाहते हैं और कुछ लोग अंडा भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने इसमें अंडा नहीं यूज़ किया, तो आप एग भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दें। अब हमने मैदे को पहले से ही छान लिया था, ये 2.5 कप मैदा है। तो अब आप इस लिक्विड में हम मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी करके ना हमने इसे अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद हम एक बर्तन में ऑयल लगाएंगे और ये हमने आटा गूंद लिया। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे कवर करके, और जिससे ये राइस होगा, ठीक है? ये राइस होगा। हमने इसे फ्रिज में नहीं रखना, इसे बाहर ही रखेंगे। अब 1 घंटे बाद मैं देख राइस हो चुका है, और अब हम इसे थोड़ा सा और भून देंगे, थोड़ा सा और इसके टेक्सचर और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसकी इतनी मोटी, ये देख लें, इतनी मोटी हमने रोटी बनानी है। और उसे अगर आपके पास कोई कटर नहीं है डोनट का, तो कोई मसला नहीं है। स्टील का ग्लास तो हर घर में ही होता है, तो आप स्टील के ग्लास की हेल्प से हम इसको कट करेंगे। और एक छोटा सा कोई कैप है, उसकी हेल्प से हमने इसका इनर कट करना है। जो ये एक्स्ट्रा था, इसका दोबारा पेड़ा बनाएंगे और फिर रोटी बेल कर हमने और डोनट कट करेंगे। इस तरह घर पे ही हम काफ़ी ज़्यादा डोनट्स आराम से बना सकते हैं, और ये अनहेल्दी भी नहीं है, बच्चों के लिए हेल्दी है। आप इनको फ्रिज में डोनट्स बनाने के बाद, मतलब फ्राई करने के बाद और सब कुछ करने के बाद, इसे हम फ्रिज में रख भी सकते हैं। आप कल भी दे सकते हैं बच्चों को, 2-3 दिन तक दे सकते हैं ईजीली। अब हम इसके इनर साइड को कट करेंगे, और ये सब हमने कट करके एक डिश में सेट करते हैं।
अब हम इस प्लेट पे पहले डस्ट करेंगे, मैदे का डस्ट करेंगे, ठीक है। फिर ताकि ना डोनट अभी हमने रखने हैं 15 से 20 मिनट तक इसे रखना है कवर करके, ताकि ये और ज़्यादा फूल जाए, देन हम ट्राई करेंगे। तो डस्ट इसलिए करें कि ये प्लेट के साथ चिपकना चाहिए, सो डैट्स वाई। हमने चॉकलेट सिरप के लिए 1 कप मिल्क लिया था, उसमें 2 टेबल स्पून हमने ऐड किया कोको पाउडर, इसमें 1 कप हमने चीनी का ऐड कर दिया, ठीक है। और बटर भी हमने कह लें 2 टेबल स्पून बटर ऐड किया। तो अब इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। और ये देखें 15 मिनट बाद हमारे डोनट कितने ज़्यादा राइज़ हो चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने आराम से उठाना है और ऑयल में फ्राई करना है। ऑयल मीडियम उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये फ़ौरन जल जाएंगे। और हमने इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे ऑयल में फ्राई होने में, आपने मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। लाइट गोल्डन होने के बाद हम इनको निकाल देंगे। अब हमने इस चॉकलेट मिक्सचर में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का मिक्स करके ऐड करना है। ये देखें गोल्डन ब्राउन, इतने गोल्डन, ठीक हैं, इन्हें हम बाहर निकाल देंगे। वो इतने नर्म थे ना कि मेरी फिंगरप्रिंट्स भी इनके ऊपर आ गए। ये हमारा चॉकलेट सिरप तैयार हो गया है, जिसकी हम बाद में कोटिंग करेंगे। इसे थोड़ा हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये हमारे घर पे प्यारे से खूबसूरत से डोनट्स तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी चॉकलेट कोटिंग करेंगे। ये हमारे शानदार से डोनट्स अब रेडी हो गए हैं। आप भी अपने बच्चों को घर पे बना कर दें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, ये आपका मेरे लिए प्यार है। कमेंट भी कर दिया करें, शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।